अपने पेड़ पौधों के लिए हम खुद ही खाद बना लें तो कैसा रहे? सोचकर बड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन है नहीं। आज हम देखेंगे किस तरह हम घर में ही खाद बना सकते हैं, वो भी कूड़े कचरे से। यही है आज का विषय, कचरे से खाद, कंपोस्ट फ्रॉम वेस्ट। कचरे के डिब्बे में हम क्या कुछ नहीं फेंकते, ये कचरा सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। हम इसी कचरे से खाद बना सकते हैं। खाद बनाने का पहला चरण गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखना है। तो जरा सोचें, खाद बनाने के लिए किस तरह का कचरा काम आ सकता है? बिल्कुल सही, फल सब्जियों के छिलके, सूखे पत्ते और टहनियां, फूल और बचा खुचा खाना। ये सभी चीजें ऑर्गेनिक हैं, जैविक। इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सड़ती हैं और मिट्टी बन जाती हैं। वैसे तो कागज भी कुछ समय बाद सड़ जाता है, लेकिन कागज बनाने के लिए पेड़ पौधे और बहुत से प्राकृतिक संसाधन लगते हैं। इसीलिए कागज से बनी चीजों का पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग बेहतर है। याद रखें, सिर्फ 1 टन कागज बनाने के लिए कोई 17 पेड़ काटे जाते हैं। वैसे भी कागज पर अगर स्याही छपी हो तो वो रसायन खाद में घुल सकते हैं, इसीलिए कागज का प्रयोग ना करना ही समझदारी है। किसी भी तरह का प्लास्टिक या कोई भी दूसरा सूखा कचरा खाद बनाने के काम नहीं आ सकता। तो गीले कचरे के साथ हम तैयार हैं आपको दिखाने की खाद कैसे बनाएं। खाद को गड्ढे में बनाया जा सकता है, लेकिन उतनी जगह मिलनी मुश्किल हो सकती है, इसलिए आज हम एक बाल्टी में ही कंपोस्ट खाद बनाना सीखेंगे। हमने ली है करीब 35 लीटर की ढक्कन वाली बाल्टी। आप इस तरह की प्लास्टिक की जालीदार बास्केट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले बनाने हैं बाल्टी में छेद, पेंदी में और चारों तरफ भी। बाल्टी में सबसे नीचे ईंटों के टुकड़े डालने हैं। टूटे हुए मटके के टुकड़े या गोबर के उपले भी डाले जा सकते हैं। इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी, इस परत के ऊपर गन्ने की खली को फैला कर डालना है। गन्ने की खली की जगह धान के पुआल या नारियल के बालों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके ऊपर मिट्टी और सूखा गोबर फैला कर डालना है। आप चाहें तो बाजार में मिलने वाला सूक्ष्मजीवी कल्चर भी डाल सकते हैं। इस कल्चर में सूक्ष्मजीवों की मात्रा बहुत अधिक होती है और कचरे से खाद बनाने में सूक्ष्मजीवों का ही महत्व है। खाद के गड्ढे में तो सूक्ष्मजीव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए बाल्टी में कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसी मिट्टी या सूक्ष्मजीवी कल्चर जरूरी है। अब सूखे पत्ते इनके ऊपर बिछाने हैं। कोई भी परत ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर इनकी ऊंचाई 4 या 5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कंपोस्ट बाल्टी अब तैयार है। इन सूखे पत्तों के ऊपर हमें गीला कचरा डालते जाना है। गीले कचरे में कोई चीज बड़ी है तो उसे काटकर छोटा कर दें। हम हर दिन 1/2 किलो तक गीला कचरा इस बाल्टी में डाल सकते हैं। गीले कचरे की परत के ऊपर सूखे पत्ते। वैसे हर बार सूखे पत्ते डालना जरूरी नहीं। कचरा डालने के बाद ढक्कन लगा दें। देखते हैं कि बाल्टी में किस तरह का गीला कचरा कैसे डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। संतरे, आम, नींबू ऐसे खट्टे फल
और उनके छिलके, हड्डियां, मछली के अंदर के कांटे, अंडे के छिलके, ये सब कंपोस्टिंग शुरू करते ही ना डालें। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया 30 दिन पुरानी होने के बाद इन्हें डाला जा सकता है। बाद में डालते समय भी थोड़ा ध्यान रखें। खट्टे फल और उनके छिलके थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही गीले कचरे के साथ मिलाकर डालें। अगर खट्टे फलों का कचरा बहुत ज्यादा है तो उसे पहले धूप में सुखा लें। सूखने के बाद बाकी गीले कचरे में मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके डालें। ऐसा करने से बाल्टी में से सड़े फलों की बदबू नहीं आएगी और कीड़े भी आकर्षित नहीं होंगे। कचरे में मौजूद चीजों को जितना हो सके उतने छोटे टुकड़े करके डालें। हड्डियों को भी तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अंडे के छिलकों को भी तोड़ दें। नारियल का कठोर छिलका इसमें नहीं डालना चाहिए। बाकी गीले कचरे की तुलना में इसे गलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जो भी कचरा आप इस बाल्टी में डालें उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर दाल या रसे वाली सब्जी जैसे गीले पदार्थ हो तो उन्हें पहले छान कर पूरा पानी निकाल दें और फिर बाल्टी में डालें। जो कचरा आपने डाला है अगर बहुत सूखा है तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क दें। अगर कचरा ज्यादा गीला है तो उसमें थोड़ी अधिक मात्रा में सूखे पत्ते मिलाएं। अगर आपके पास सूक्ष्मजीवी कल्चर नहीं है तो आप थोड़े से दही की छाछ बनाकर ऊपर से छिड़क दें। हर बार कचरा डालने के बाद मजबूत लकड़ी की मदद से उसे अच्छी तरह मिला दें, लेकिन सिर्फ ऊपरी परतों को, तल में डाले हुए ईंटों और मिट्टी की परतों को ना छेड़ें। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए बाल्टी का ढक्कन हटा दें। सूक्ष्म जीवों को जरूरी मात्रा में हवा मिलनी चाहिए। बाल्टी के आसपास मक्खी या कीड़े नजर आए तो कपूर की कुछ डलियां तेल में डुबोएं और उन्हें इस तरह बाल्टी में रख दें। आप बाल्टी के चारों तरफ इस तरह नमक भी डाल सकते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई या नहीं ये कैसे पता करें? जब कचरा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदल जाए, वो महीन हो जाए और रंग काला, तो समझ लें कि खाद तैयार है। तैयार खाद भुरभुरी और नम होती है। ये खाद हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। इसमें कोई भी रसायन नहीं, इसलिए फूलों और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में ये बहुत काम की है। जिन पेड़ों में ये खाद डालते हैं वहां जमीन की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। अब आपके लिए एक काम, गीले कचरे से खाद बनाने की इस प्रक्रिया को आप खुद अपने घर में करके देखें। खाद की बाल्टी में क्या क्या बदलाव आते हैं उसका निरीक्षण करें। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो कंपोस्ट में डाली जा सकती हैं और वो भी जो नहीं डाली जा सकती। खाद बनाने की इस विधि को मित्रों और परिवार जनों के साथ मिलकर घर घर पहुंचाएं। अपने अनुभव सबको बताएं, सबकी शंकाओं का समाधान करें। खाद बनाने की प्रक्रिया का वीडियो बनाएं और सबके साथ शेयर भी करें। कंपोस्ट बनाएं, इसमें ना तो बदबू आती है ना ही मच्छर पनपते हैं, और तो और बेकार समझकर फेंके जाने वाला कचरा सिर्फ 40-45 दिनों में बढ़िया खाद बन जाता है। तो घर के कचरे से अपने लिए खाद बनाएं और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के नारे को बुलंद करें।